वो एक दिन में अचीव नहीं होते या एक सीज़न में या एक महीने में नहीं अचीव होता। जो भी आप अपनाते हैं गुड हैबिट्स, उसे आप लगातार रखेंगे तो यू ऑटोमेटिकली गेट द रिजल्ट एंड यू स्टार्ट एन्जॉइंग द जर्नी। जैसे मैं पिछले 30-35 साल से रोज़ सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ, आज से नहीं, कल से नहीं, फॉर द लास्ट 30 years आई बिन ड्रिंकिंग वार्म वाटर एंड फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स आई बिन एवरी डे मैं एक्सरसाइज करती हूँ। वो एक्सरसाइज कोई भी टाइप का हो, डांस हो या बैडमिंटन हो या जिम हो या वॉकिंग हो, कुछ ना कुछ। मैं शूटिंग में भी रहूँ या घर पे भी रहूँ, मेरी लाइफ टू कीप योर सेल्फ मूविंग एंड ऑलवेज ईट लेस। हर चीज़ खाती हूँ, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, पिज्ज़ाज बहुत पसंद है, मैं कोई चीज़ का परहेज नहीं करती। बिकॉज होलिस्टिक लिविंग में मन मार के आप होलिस्टिक रिजल्ट्स नहीं पा सकते। अगर आपको कोई भी चीज़ की क्रेविंग हो तो उस क्रेविंग को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस में, नॉट टू ओवरडू इट। अगर आप एक स्लाइस पिज़्ज़ा हर दिन खाते हो या 2-3 पानी पूरी हर दिन खा लेते हो या एक रसगुल्ला हर दिन खा लेते हैं, आप में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। बट वही चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम। सो द बैलेंस, द की इज़ बैलेंस, द होलिस्टिक लिविंग, टू बी इन लव, फाइंड समबडी टू लव एवरी डे। हर चीज़ वो फॉलिंग इन लव वाली फीलिंग आनी चाहिए। यू नो, यू लुक एट समथिंग एंड यू शुड फील इन लव, चाहे वो दोस्त हो, बच्चे हो या डॉगी हो, पेट हो, जिसको आप देखो और आपके अंदर से प्यार जगे। एंड वी कैन क्रिएट दैट इफ़ यू कैन फील लव एवरी डे, इफ़ यू कैन फाइंड रीजंस टू लाफ। एंड सो मेनी पीपल मेक यू लाफ इफ़ यू वॉच टीवी प्रोग्राम्स, कपिल शर्मा, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट मेक यू लाफ, फ्रेंड्स। एंड बस हंसते रहो, एक्सरसाइज करते रहो और एंड यू विल बी हैप्पी।